कई हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं एक ख़ास चैनल पे बैठ के, वो जो है वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। बड़ी गलत फहमी है कई प्लेयर्स को। इनफैक्ट जो फ़र्क है, मैं यहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ, यहाँ के एक्स प्लेयर्स में और कुछ पाकिस्तानी के एक्स प्लेयर्स में यही है कि यहाँ पे तहम्मुल मिजाजी भी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे रास्ता बताते हैं कि किस तरह से आगे जाना है। वहाँ पे ये होता है कि ये पाकिस्तान, वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम हारे, फ्लैट हो और हमारी हेडलाइंस लगे कि देखें हम तो क्या ही रहे थे, और फिर खूंखार हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड, रूथलेस। ये सारे इसको बदलना है, और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे और फैंस नहीं उठाएंगे तब तक ये मामला सेट नहीं होगा, और हमेशा पाकिस्तान की टीम प्रेशर में रहेगी जहां इन्होंने एक आधा मैच हारा। अब एक दफा से फिर इंक्वायरी होगी, एक्स प्लेयर्स कुछ को बुलाया जाएगा, कुछ सहाफ़ी जिनको कोई पता नहीं है, जो कि न्यूज़ रीडर सहाफ़ी बन गए हैं क्रिकेट के, आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी आ जाएंगे अपना एजेंडा लेके कि जी फलाने को रखें, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो इस तरह से क्रिकेट आपके ऊपर नहीं जाएगी बल्कि और नीचे चली जाएगी। एक खौफनाक किस्म की कहानी ख़त्म हुई है, अनफॉर्चुनेट था, इसलिए कि पाकिस्तान के देखे बहुत सारे चाहने वाले हैं, इसके बहुत सारे फैंस हैं, मगर ये सारी कैंपेन जो थी वो टर्बुलेंट इसलिए रही बिकॉज जो हालात घर में थे क्रिकेट बोर्ड में, चीफ सेलेक्टर छोड़ गया, आपके चेयरमैन कह रहे हैं कि जी हमने फुल इनको अथॉरिटी दी हुई थी, बाबर आजम को और चीफ सेलेक्टर को पहले से ही आपने थ्रेट एक इशू कर दिया, तो प्रेशर बना क्योंकि मैच तो आप हारते ही हैं वर्ल्ड कप की कैंपेन में, कोई स्मूथ सेलिंग बहुत कम होती है टीम्स की, तो वहाँ पे फिर प्रेशर क्रिएट हुआ कि व्हाट इफ़ कि हम हार गए, व्हाट इफ़ कि मैं अगर बाबर आजम हूँ तो स्कोर नहीं किया, व्हाट इफ़ कि हमारी बॉलिंग जो है एक दफ़ा फिर से ठुस हो गई, ये प्रेशर क्रिएट हो गया, फैंस की तरफ से भी प्रेशर क्रिएट हो गया। चले वो तो बेचारे एक इमोशनल उनकी सर्च थी और वो जायज़ बनता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उम्मीदें वाबस्त हैं इन फैंस की और क्रिकेट के साथ, ये नहीं तो वैसे ही हॉकी और बाकी स्पोर्ट्स की तरह हो जाए अगर फैंस उम्मीदें ना वाबस्ता करें। सो एक उन्होंने एक ढारस बंधी थी उनकी जब 350 पे 350 श्रीलंका के खिलाफ कर दिया था, मगर उसके बाद जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। सो पाकिस्तान ने कहाँ जनरली मार खाई, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फ्लैट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल फ्लैट, बैटिंग पैचेस में चली बल्कि ज़्यादातर नहीं चली, बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म होना, हालांकि फॉर्म तो थी मगर लंबे स्कोर नहीं कर सके, और वो उनसे पूरी बैटिंग लाइनअप आपकी चलती है। फिर अप्रोच जो थी वो टिमिड थी, उसमें थोड़ा सा शक था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर दिखी, और जैसे मैंने कहा ना कि व्हाट इफ़ के बेस के ऊपर आप टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। ये भी पता चला कि स्किल वर्क जो है वो पाकिस्तान को कितना और करने की ज़रूरत है, और अब होगा क्या कि आप लीडरशिप बदल देंगे उससे कुछ होने वाला खास है नहीं है, आप प्लेयर्स एक दो बदल देंगे उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस यही चलेगा वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में अगले 3-4 सालों में, क्योंकि ये यंगस्टर्स हैं सारे के सारे, इनको डायरेक्शन बदलनी है, इनको रेलिवेंट रहना है वनडे क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ये बबल में रह गए हैं, ये जम गए हैं 80s की बैटिंग बबल में और क्रिकेट के बबल में और बॉलिंग के बबल में, बाकी टीम्स आगे निकल गई हैं, उन्होंने वनडे में T20 का तड़का लगा दिया है और दलेरी से खेलते हैं, पाकिस्तान तो इंस्टिंक्टिवली एग्रेसिव हैं, तो वो इंस्टिंक्ट्स नज़र नहीं आए इस दफ़ा, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स रहे, और जब आप हारते हैं तो बहुत हार जाते हैं, हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको भी ये बहुत ब्लेम जाता है पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस का, क्योंकि ये मौका कहीं ढूंढ रहे होते हैं। देखें एजेंडा बेस्ड हमारे यहाँ यहाँ पे सारा नरेशन चलता है और पेरोकियल ज़्यादा होता है कि कौन से अपने शहर के लिए खेल रहा है, कौन चाहता है कि ये तीन लड़के जो हैं वो ना परफॉर्म करें ताकि यहाँ के तीन लड़के आ सके, और फिर वो चाहे स्याह करें सफ़ेद करें यही लोग उनको बैक करते रहते हैं। इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है, ये ऊपर नहीं जाएगी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल ज़रूरी है मगर उसका तरीका है, ये नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल को लेके उसकी आप पतलून उतार दें, बहुत गलत रवायत पड़ गई है, और ये वो लोग हैं जो करते हैं जिनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं आती है। कई हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं एक ख़ास चैनल पर बैठ के, वो जो है वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई क्रिकेट की को समझ नहीं है, बड़ी गलत फहमी है कई प्लेयर्स को। इनफैक्ट जो फ़र्क है
मैं यहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ, यहाँ के एक्स प्लेयर्स में और कुछ पाकिस्तानी के एक्स प्लेयर्स में यही है कि यहाँ पे तहमल मिजाजी भी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे रास्ता बताते हैं कि किस तरह से आगे जाना है। वहाँ पे ये होता है कि ये पाकिस्तान, वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम हारे, फ्लैट हो और हमारी हेडलाइंस लगे कि देखें हम तो क्या ही रहे थे, और फिर खूंखार हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड, रूथलेस, ये सारे इसको बदलना है। और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे और फैंस नहीं उठाएंगे तब तक ये मामला सेट नहीं होगा, और हमेशा पाकिस्तान की टीम प्रेशर में रहेगी जहां इन्होंने एक आधा मैच हारा। मगर ये कैंपेन बहुत बेहतर हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पे कई टेक्टिकल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक्स हुई हैं। देखें ये जो इवेंचुअली जब पाकिस्तान मिडिल फेज में गया इस वर्ल्ड कप के, तो जो आपके 5 या 6 ओरिजिनल जो आपने स्पॉट किए हुए थे एज योर मैच विनर्स, वही बेंच कर दिए गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्म या इंजरी। तो जब आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से मैसिवली हिट हो गया तो फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, फिर वही अनसर्टेंटी आ जाती है परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो नया प्लेयर आता है वो एक तो उस पाएगा नहीं है, और दूसरा वो बेबी स्टेप्स लेता है, और इस वर्ल्ड कप में कोई बेबी स्टेप्स आपको लेने नहीं देता, कोई आपको ठहरने का मौका नहीं देता, कोई आपको टाइम नहीं देगा कि आप सेटल हो। यहाँ पे रिलेंटलेस प्रेशर होता है और अटैक होता है, क्योंकि सारी टीम्स जो है, मोस्टली जो टॉप टीयर की टीम्स है, वो सीजनड थी, उन वो होमवर्क करके आई हुई थी और इम्प्रूव स्किल के साथ खेला। जब मैं इम्प्रूव स्किल्स की बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका वर्सेस स्पिन बहुत फ़र्क पड़ा है, साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग बहुत फ़र्क पड़ा है, इसी तरह से उनकी मिडिल फेज में न्यूजीलैंड की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन सबसे बेहतरीन नंबर्स बताते हैं, बहुत फ़र्क पड़ा है न्यूजीलैंड को। हाँ, हो सकता है आईपीएल यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, कंडीशन से वो वाकिफ कार थे, बट फिर भी स्किल लेवल जब तक पाकिस्तान का नहीं बढ़ेगा तो ये सुपर स्टारडम नहीं पहुँच सकेगी, और जो भी सुपर स्टारडम इस वक्त है वो आपको दोबारा से उसको रीथिंक करना पड़ेगा फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पे आपको पता चल जाता है कि आप बाकी दुनिया से कितने पीछे हैं, और एक रियलिटी चेक हुआ है, एक मैसिव रियलिटी चेक हुआ है। सो पाकिस्तान को अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करनी है, पाकिस्तान को नई डायरेक्शन लेनी है, पाकिस्तान को रेलिवेंट रहना है, पाकिस्तान को करंट रहना है, पाकिस्तान को कुछ T20 के प्लेयर्स अपनी ODI क्रिकेट में डालने हैं, और पाकिस्तान को फोर्स करना है यंगस्टर्स को कि वो 5-day क्रिकेट के बारे में सोचें, वो 4-day क्रिकेट के बारे में सोचें, वो शॉर्ट कट ना ढूंढें टू स्टारडम। चमक होती है पैसे की, हमारा अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ये बहुत चीज़ें सामने आ गई हैं, मगर नए क्रिकेटर्स, नए बच्चों को समझना है कि अगर आपने ग्रेटनेस पानी है तो आपको 4-day क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने ग्रेटनेस पानी है तो सिस्टम ठीक करना है, क्लब क्रिकेट का सिस्टम ठीक करना है। क्लब क्रिकेट जो है वो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए कि स्पाइक्स पहन के आप ना बॉलिंग कर सकते हैं ना बैटिंग, बिकॉज पिचेस ही नहीं ठीक। उसके बाद वीकेंड को जो मैचेस होने चाहिए उन क्लब्स में, वो आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं, क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं जिससे कि आपका कारोबार चलता है, आउटफील्ड ठीक आप वैसे करवाते हैं उन पैसों से। सो वीकेंड को अगर बच्चा नहीं खेलेगा जब उसकी छुट्टी होती है स्कूल या कॉलेज में, तो फिर वो कब खेलेगा? तो इसी तरह से आपकी स्कूल क्रिकेट को और मोबिलाइज होना है, आपकी एज क्रिकेट को और बेहतर होना है, तो बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, मगर इसके लिए जो है लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं सरबरान, वो लॉन्ग टर्म की प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं ताकि वो कुर्सी अपनी मजबूत करें और वो यहाँ पे आके बता सकें कि वो कितने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब होगा क्या, अब एक दफ़ा से फिर इंक्वायरी होगी, एक्स प्लेयर्स कुछ को बुलाया जाएगा, कुछ सहाफ़ी जिनको कोई पता नहीं है, जो कि न्यूज़ रीडर सहाफ़ी बन गए हैं क्रिकेट के, आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी आ जाएंगे अपना एजेंडा लेके कि जी फलाने को रखें, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो इस तरह से क्रिकेट आपके ऊपर नहीं जाएगी बल्कि और नीचे चली जाएगी। सो एक बहुत ही ख़राब कैंपेन थी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था और एक मैसिव रियलिटी चेक भी हुआ।